नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं WSBCC क्लासेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार की कुछ नौकरियों से रिलेटेड अपडेट लेकर के आया हूँ। कुछ ऐसी वैकेंसी होंगी जो प्रोसेस में चल रही हैं, और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होंगी जो आ चुकी है, और कुछ ऐसी वैकेंसी होंगी जो आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 2021 तो ख़त्म होने वाली है, तो ये 2021-22 के लिए कहिएगा बहुत ही अच्छी अपडेट होगी आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं, उसके बाद 1.25 लाख शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र से रिलेटेड अपडेट है, यानी कि शिक्षकों के नियोजन से रिलेटेड अपडेट। दूसरी अपडेट है कि 8300 पदों पर, जी हाँ 8300 मायने रखता है, 8300 पदों पर शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली होगी। तीसरी अपडेट है आपका पटना मेट्रो में बम्पर भर्ती जो आई है उससे रिलेटेड। तो तीनों जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो में नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल पर आ जाएं। जी हाँ, तो दोस्तों इस तरह आप नए होंगे तो चैनल पर सर्च कीजिएगा WSBCC क्लासेस। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको ये चैनल दिख जाएगा। तो यहाँ जो रेड कलर का बटन दिख रहा है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर, ये जो बेल आइकन बना है इसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो उससे पहले मैं आप लोग बता दूँ, ये जो चैनल का आइकन दिख रहा है ना आपको, इस पर आपको क्लिक करना है इजिली। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अबाउट वाले सेक्शन पर आ जाना है, और अबाउट वाले सेक्शन पर आइएगा तो यहाँ से WSBCC क्लासेस टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। एक BTSC PRT LRC का ग्रुप लिंक मिलेगा, तो इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आप चैनल पर देख सकते हैं, है ना। ये पटना मेट्रो में जो भर्ती आई है इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, तो देख सकते हैं। और आई बटन पर भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर जो आई बटन दिखता है वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। BTSC PRT LRC का यहाँ पर अपडेट है कम्बाइंड, आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर 10th क्लास के लिए मैंने ओम का नियम बताया था, फुल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, ज़रूर देख लीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स हैं। और आपको कम्युनिटी के माध्यम से मैं भी जो है आपको अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर शेयर करता हूँ, और अपडेट भी शेयर करता हूँ। तो कम्युनिटी जो भी देखा करें हमारे चैनल का, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है आपके एक लाइक से, है ना। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। दोस्तों पटना मेट्रो में जो भर्ती आई है इससे रिलेटेड मैं आपको आई बटन पर वीडियो दे रखा हूँ, चैनल पर डाला हूँ, वहाँ पर फुल डिटेल वीडियो है। यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी है। पटना मेट्रो में प्रतिनियुक्त पर 23 सरकारी कर्मियों के लिए निकाली बहाली, और ये 23 तो है लेकिन अच्छी खासी सैलरी वगैरह है ना। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि PMRCL ने पटना मेट्रो में 12 पदों पर 23 सरकारी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के लिए बहाली निकाली है। इसके लिए केंद्र या किसी भी राज्य में कार्यरत कर्मी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इनकी प्रतिनियुक्ति 3 साल के लिए होगी। इच्छुक आवेदक बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। योग्यता एवं अनुभव के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार PMRCL की अध्यक्षता में गठित समिति लेगी। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट और सिस्टम प्लानर शेड्यूलर के एक एक पद पर नियुक्ति होंगी। ये सारे वीडियो में मैंने दे रखा है, इन पदों का ब्यौरा देखिए। JEE सिविल में 4 है, JEE इलेक्ट्रिकल में 2 है, MIS में ऑफिसर में 1 है, मैनेजर MIS में 1 है, असिस्टेंट मैनेजर में 1 है, ड्राफ्टमैन में 1 है, PPS में 1 है, PAPS में 3 है, स्टेनोग्राफर में 2 है, अकाउंटेंट असिस्टेंट में 1 है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 3 है, एंड ऑफिस असिस्टेंट में कितने हैं, 3 पद है। ये पदों का ब्यौरा रह गया, तो मेरे इतना बताने से बेहतर है एक बार नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, वैसे पढ़ लीजिएगा सर नोटिफिकेशन को इजिली। दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन जिसे आप लोग थंबनेल पर भी देखे थे, है ना। ये नोटिफिकेशन का फुल डिटेल वीडियो मैंने दे रखा। वैसे अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो जॉब अलर्ट 24x7 पर जाइए, टेलीग्राम का चैनल है, वहां पर जॉब रिलेटेड अपडेट दी जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप इजिली जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए नए अपडेट की तरफ अपने लोग रुख करते हैं। तो दोस्तों ये रही अपडेट, सूबे में 8300 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की होगी बहाली, बहुत ही अच्छी खासी अपडेट है ना दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कहा कि 8300 शिक्षा अनुदेशकों की बहाली की जाएगी, पंचायत चुनाव के बाद पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, है ना, इसके लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 1,35,000 से अधिक छात्रों को 2,000 करोड़ का कर्ज उपलब्ध कराया गया है। साथ निश्चय की यह सबसे श्रेष्ठ योजना है। सरकार उर्दू के साथ ही संस्कृत विषय को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है। बिहार में दूसरे राज्यों से अधिक वेतन, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री ने कहा है कि बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में अधिक वेतन दिया जा रहा है, असम में 31, ये सारी चीज जो है इसके बारे में दिया गया, सभी प्रतिनियुक्त पारदर्शी तरीके से हो रही है ना। अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि मंत्री ने कहा है कि जिस बीपीएससी से शिक्षकों को बहाली की बात विपक्ष करता है, उसी आयोग के 3 अध्यक्ष, मतलब यहाँ पर सारी चीजें जो है क्लियरली यहाँ पर बता दी गई है। और यहाँ पर जो है बहुत ही जल्द आपको अपने राज्य में 8300 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली होगी, है ना, जल्द ही नोटिफिकेशन आपको इसका देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ रुक करते देख लेते हैं जरा सा उसके बारे में भी जानकारी को। तो दोस्तों ये रहे अपडेट, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 1,25,000 शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र जो है दिया जाएगा। सरकार प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर चयनित होने वाले करीब 1,25,000 अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र देगी। एक ही बहाली में चयनित होने वाले की वरीयता में अंतर ना है, इसके कारण यह कदम उठाया जा रहा है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के करीब 1,300 पदों का सृजन कर दिया गया है। आचार संहिता हटते ही पात्रता परीक्षा और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की जाएगी। देखिए इसके बारे में भी क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है ना। और उसके बाद आवेदन की पूरी कर नियुक्ति की जाएगी। संस्कृत उर्दू शिक्षा को बढ़ावे के लिए भी नियुक्ति आदि सभी कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की मांग पर हुई चर्चा के दौरान यहाँ पर सारी बातें को बताई गई है। और यहाँ पर तकरीबन, जी हाँ दोस्तों, तकरीबन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति बहुत जल्द होने वाली है। यहां से क्लियरली साफ सुथरा पता चल रहा है। इससे क्या होगा कि अब जो है मात्र 0.5% बच्चे ही स्कूल से बाहर हैं, मतलब इस ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उस अच्छी खासी जो है शिक्षकों की तैनाती आपके स्कूल में हो जाएगी। तो दोस्तों ये 3 अपडेट थे। फर्स्ट अपडेट आपका जो था, जो मैंने बताया पटना मेट्रो में जो वैकेंसी आई उसको लेकर के। दूसरा अपडेट आपको 8300 शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती को लेकर के। तीसरा अपडेट यहाँ पर 1.25 लाख शिक्षकों के नियोजन पत्र को लेकर के। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।